तो कैसे हैं आप सब? आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करी थी लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने करंट के बारे में बात करी, उसके न्यूमेरिकल्स करे, उसके टाइप के क्वेश्चन भी हमने करे। आज हम एक न्यू टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी सा टॉपिक है यार। सबसे पहले तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज, और हम इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल वी। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू क्या है हमारा यहाँ पर चार्ज, डब्ल्यू क्या है हमारा वर्क है। ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब हमें समझना तो हमें थ्योरी से भी तो है ना, हमें फॉर्मूले से तो खाली चीज फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, बट अल्टीमेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जैक्टली, तो ध्यान से समझना यार। मैंने एक चार्ज यहाँ पे रखा, कोई भी चार्ज हो सकता है, ये मेरी एक सपोज कोई फील्ड है। मैं इस चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में यहाँ लेके आ रहा हूँ, उसे पॉइंट ए है या पॉइंट बी है। व्हेन आई एम डूइंग सम वर्क इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी, ठीक है, कुछ एनर्जी लग रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है, और हो किसके ऊपर है, चार्ज पे, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यू कैन सी द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ और इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेरी इजी। अब डब्ल्यू वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमें पता है, जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो इसकी क्या होती है? जूल पर कूलम, और इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल पर 1 कूलम, यहीं से देख रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। जैसे कि मैंने बताया था 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी डिफाइन हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर होता है, जैसे कि हमने देखा था अपने करंट में, एक डिवाइस था हमारा करंट के केस में एमीटर, तो उसी तरीके से हमारी वोल्टेज या हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। मैंने एक चीज बताई थी दैट एमीटर जो होता है हम उसको किसमें कनेक्ट करते हैं? हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और बट वोल्ट मीटर को हमेशा हम किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। मैंने तब भी बोला था कि जो इसका रीजन है हम इसको डिटेल में जानेंगे, तो मैं रेजिस्टेंस का टॉपिक बता दूंगा, क्योंकि सारा लिंक रेजिस्टेंस से, जो कि ओम्स लॉ के बाद मैं समझाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपने आप धीरे धीरे चीजें क्लियर हो लेवल पे होने लग जाए। आज का लेक्चर हमारे वोल्टेज पे ही है। सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, जैसे एमीटर एक डिवाइस था, एक इंस्ट्रूमेंट था। एमीटर क्या करता था? यूज टू मेजर द करंट, और वोल्ट मीटर क्या करता है? यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इस पे बेस पे हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। एक क्वेश्चन ये है, इसमें देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड करो एक बार। हाउ मच वर्क इज डन, हमें डब्ल्यू निकालना है, ठीक है, चार्ज हमें दे रखा है क्यू, दैट इज टू। अब वी का फॉर्मूला होता है, अभी अभी हमने देखा डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू निकालना है, क्यू पता है क्या, वी पता है? दिक्कत ये आ गई, यहाँ पर वी दो दो दिया, तो हमें जब ऐसे केस होता है तो हम एक तरह से उसका डिफरेंस कंसिडर करते हैं। तो V हमारा कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? बड़े वाला माइनस छोटे वाला। 2 वोल्टेज गिवन है, माइनस करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट। अब इस फॉर्मूला जो है इसमें पुट कर दो, देखो V की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। W नहीं पता, क्यों हमें गिवन है, तो इसको 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 × 2 हमारा W आ जाएगा, दैट इज 20 जूल हमारा वर्क डन हो रहा है। कब? जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट को चार्ज को ला रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स पे क्या है, हमारी वोल्टेज अलग है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे क्या है, हमारी वोल्टेज बिल्कुल अलग है, ठीक। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी वोल्टेज अलग होती है तो हमें क्या करना है, उन दोनों वोल्टेजेस को माइनस कर देना। तो एक क्वेश्चन में और लूंगा, इसमें क्या है,
उसमें सिंपल सा हमें डायरेक्ट दे रहा है, तो क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें हमें कुछ अलग से नहीं दे रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर मैं इसका करना चाहूंगा तो क्या है, देखो मुझे पता है V दे रखा है मुझे 6 वोल्ट, ईच कूलम ईच मतलब वन, तो चार्ज हमें दे रखा है 1 कूलम, एनर्जी निकालनी मतलब वर्क डन मुझे निकालनी। सो एज वी नो दैट V इक्वल्स टू W बाय Q, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V हमें दे रखा है 6, W नहीं पता, Q हमें 1, इसको उधर ले जाऊंगा 6 × 1, आंसर इज 6 जूल, मेरा हमारा क्या आ जाएगा वर्क डन, राइट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, इसमें बहुत ही छोटे सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं रखने की जरूरत थी, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल की ऐसे यूनिट क्या होती है, ठीक है, और हम इसको डिवाइस कौन सा डिवाइस यूज करते हैं टू मेजर। ओके, मैंने एक चीज बताई थी एमीटर में, एमीटर को हम सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो रहे, मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस क्या होता है हम उसको डिटेल में ओम्स लॉ में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर को हम इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसको कोई भी करंट नहीं लेना है। आई रिपीट अगेन, अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, बट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई, बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस, बिकॉज इट हैज टू टेक ऑल द करंट फ्रॉम द सर्किट, तभी तो वो मेजर कर पाएगा ना। वोल्ट मीटर को करंट नहीं लेना, वोल्ट मीटर को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या है, वो वोल्टेज की वैल्यू मेरे को मेजर करके दे रहा है, एमीटर किसकी वैल्यू मेजर करके दे रहा है, करंट की, तो एमीटर को खाली करंट की रीडिंग चाहिए, करंट की रीडिंग देनी है तो करंट को लेगा ना वो रीडिंग करते हुए, तो उसको वोल्टेज से मतलब नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर को किससे मतलब नहीं है, करंट से, क्योंकि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टू दिस टॉपिक, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड with the topic of electric circuit and then we will begin with Ohm's law. Okay, thank you.